गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है मैथ्स का वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को। तो एक्सपेंडेड फॉर्म अर्थात विस्तारित रूप का मतलब होता है हर एक नंबर के डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है उनको लिखना और उनके सम के रूप में लिखना, उनको योग के रूप में लिखना। तो जैसे हम समझते हैं 247 यानी 247 को अगर हमने फैलाना है, विस्तार करना है इसका, तो हम जानते हैं कि 2 की अपनी एक पहले प्लेस वैल्यू है, 4 की अपनी प्लेस वैल्यू है, 7 की अपनी प्लेस वैल्यू है। जब इनको हम प्लेस वैल्यू के रूप में सम के रूप में लिख देंगे तो उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो जैसे ये 1s पे है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है 7 हो जाएगी, 4 पे ये 10s पे है तो ये 40 हो जाएगा, और 2 है 100 पे तो इसकी 200 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो 247 को जब हम फैलाएंगे तो ये देखो 100 के 2 ब्लॉक्स हो गए। ये 100 का है, ये भी 100 का, तो ये 200 हो गए। अब है 40, तो ये 10 के 10, 20, 30, 40, तो ये जो ब्लॉक है वो 10, 10, 10, 10 के है। तो 10, 10 के कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं यहाँ पर, क्योंकि 10s में देखो। और ये 100 के कितने ब्लॉक हैं? आप देख सकते हैं 100 के कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक हैं। अब बचा पीछे से 7, तो 7 बोले तो 6 जो सिंगल सिंगल होंगे वो 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सब 1, 1 के हैं। तो 1, 1 के कितने हैं? ये छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं, तो 7। तो 247 को हमने फैला के लिखा, उसके प्लेस वैल्यू के जो है हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू के सम के रूप में लिखा, उसके योग के रूप में लिखा। तो जैसे 247 था तो 100 के 2 ब्लॉक, 100 200, आप 47 है तो 47 यानी 10 10 10 10 के 4 ब्लॉक 40 हो गया और 7 सिंगल सिंगल हो गया। तो हम 247 को कैसे लिख सकते हैं फैला के? 200 + 40 + 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो समझ लेते हैं, इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट द नंबर बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, यानी हर एक डिजिट की जो वैल्यू है उसको शो करके हम उसका सम करेंगे, वही एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। अब एग्जांपल से समझते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहां पर लिखा है 98, तो 98 लिखा है, तो ये वो बोलने में ही पता चल जा रहा है कि 90 और 8 मिलकर जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये 8 जो है 1s पे है और 9 10s पर है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते समय आप देखेंगे जो 10 10s के ब्लॉक होंगे, 10 10 के जो ब्लॉक होंगे वो 9 होंगे और सिंगल सिंगल जो होंगे वो 8 होंगे। लेकिन अब हमें पेपर में करना है तो हम कैसे करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्टकट में? तो सबसे पहले ये नंबर लिख दीजिए, सबसे पहले इस नंबर को लिख दीजिए। अब इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, तो इसके बाद 9 के बाद केवल एक डिजिट है, वो डिजिट है 8। मैंने पूछा कितने डिजिट है, तो एक डिजिट है, तो 10 लगा देंगे, तो ये हो गया 90। फिर लगा देंगे प्लस, और 8 है तो 8 लिख देंगे, और 8 के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 98 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 90 + 8 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे 12 है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये वाला डिजिट उतार देंगे, ये सबसे पहले 12 है तो 12 को उतार देंगे, तो इसमें 1 को उतार देंगे। आप देखेंगे 1 के बाद कितने डिजिट है, तो केवल एक ही डिजिट है, वो है 2। तो जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देना है, 10 हो गया। प्लस, और ये नंबर लिखेंगे पीछे वाला नंबर, और इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसको वैसे छोड़ देंगे। तो 10 + 2, आप वैसे भी समझ सकते हैं 1 का जो प्लेस वैल्यू होगा 10 और 2 का 2 होगा, तो 10 + 2 ऐसे भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 43, तो 43 में मैंने कैसे बोला था 4 को यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे। अब 4 के बाद देखेंगे कि कितने नंबर है, तो 4 के बाद केवल एक ही नंबर है, देखो ये 4 के बाद जो नंबर बैठा है केवल यही नंबर बैठा है 3। तो जितने नंबर बैठे होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, तो ये हो गया 40। अब प्लस लगा देंगे, अब इस नंबर को लिखेंगे, ये नंबर है 3, 3 के बाद कोई नहीं है तो इसको वैसे उतार देंगे, तो इनका ऐड करके भी यही नंबर आएगा। देखो 40 + 3 करेंगे तो 43 आ जाएगा, और वैसे भी 4 10s 40 और 3 1s 3, तो 43 ऐसे भी आ सकता है। अब है 35 है, तो 35 का मतलब पहले ये नंबर ऐसे लिख देंगे, 3 को उतार देंगे जो फर्स्ट नंबर होगा, उसके बाद देखेंगे केवल एक नंबर है तो 10 लगा देंगे और इसको नंबर को ऐसे उतार देंगे। तो 35 का जो कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 30 + 5। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें इन नंबरों को विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप मैंने आपको बता चुका हूं कि हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू के सम के रूप में जब हम किसी को लिखते हैं तो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं विस्तारित, यानी किसी चीज को फैलाना। जैसे माना मेरे पास एक कट्टा यहां पर जो है ये गेहूं है, और अगर माना मैं इसको जो है तो अभी ये शॉर्ट फॉर्म में है, अगर मैं इसी एक कट्टे गेहूं को बड़े से चटाई में ऐसे जो है फैला दूं तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा कि इसको हमने इसको फैला के लिख दिया। तो वैसे हम नंबरों को भी जो है हम फैला के लिखेंगे। तो जैसे 43 है, तो अब आपको आ गया होगा 2 डिजिट का, तो सबसे पहले ये नंबर को लिख देना है 4। 4 को लिख देंगे, 4 के बाद देखेंगे केवल एक नंबर है वो है 3, तो 10 लगा देंगे, जितने नंबर होंगे पहले डिजिट के बाद उतने 0 लगा देंगे। प्लस, फिर 3 लिखेंगे, 3 के बाद कोई नहीं है तो 3 वैसे उतर जाएगा, तो 40 + 3, इन दोनों का सम भी उसके इक्वल आना चाहिए। दूसरा है 85 का, आप करोगे क्योंकि ये बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन मैं करता हूं जो बड़ा है, तो इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला है जैसे 498, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 4 को, तो ये नंबर को वैसे उतार दिया। आप देखेंगे कि 4 के बाद कितने लोग हैं, 1, 2, 9 और 8, यानी 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। प्लस,
आप लिख देंगे 9 को तो 9 लिख देंगे, आप देखेंगे कि 9 के बाद कितने लोग हैं, 9 के बाद केवल एक ही है तो एक जीरो लग जाएगा, प्लस 8 लिख देंगे, 8 के बाद कोई नहीं है तो वैसे उतार देंगे। तो 498 को लिखने का तरीका कैसे हुआ, 400 प्लस 90 प्लस 8। इसी प्रकार 365 को लिखना है तो सबसे पहले वाला फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। अब 3 के बाद देखेंगे कितने नंबर है, 1 2 2 2 नंबर है तो 2 जो है जीरो लगा देंगे, प्लस आप देखेंगे 6 को लिख देंगे, 6 के बाद देखेंगे कितने नंबर है, केवल एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे, प्लस अब तीसरा नंबर लिखेंगे 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसको वैसे उतार देंगे। तो 300 प्लस 60 प्लस 5 यानी 300 6 10 5 1 तो 365। अब है 509, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को लिख देते हैं 5 को, और इसके पीछे देखेंगे 2 जीरो है, 1 2 यानी 2 स्थान है तो 2 जीरो लगा देंगे, 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा देंगे, प्लस अब 0 को लिखेंगे और 0 0 भी लिख सकते हैं, 0 का मतलब पूरा 0 होता है तो इसको ऐसे ही उतार सकते हैं। अब तीसरा नंबर लिखेंगे 9 के बाद कोई नंबर नहीं है तो इसको वैसे उतार देंगे, तो ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आने लग गया होगा। आप देखिए अब थोड़ा नंबर और बड़ा कर देते हैं, 7684 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है, तो सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे 7, फिर आप देखेंगे कि 7 के बाद कितने लोग हैं, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 3 लोग हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 प्लस, क्योंकि वैसे भी आप देखिए तो ये 1 है, 10 है, 100,000 तो 7,000 लिख सकते हैं हम सीधे। अब है 6 नंबर को लिख देंगे, 6 के बाद देखेंगे 2 नंबर है, 1 2 तो 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा देंगे, प्लस आप 8 को लिख देंगे, 8 के बाद कितने लोग हैं, केवल एक है तो 1 जीरो लगा देंगे, प्लस आप कौन नंबर बचा 4 तो 4 को वैसे उतार देंगे। अब उससे बड़े नंबर को हम लिखते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो सबसे पहले उस फर्स्ट नंबर को लिख दीजिए 8 लिख दिया, अब 8 के बाद देखेंगे कि कितने नंबर है तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 जीरो भी लगा देंगे, फिर लिखेंगे प्लस, अब दूसरा नंबर लिखेंगे 3, अब 3 के बाद देखेंगे कि कितने नंबर है तो 3 के बाद देखेंगे आप ध्यान से दोबारा कर सकते हैं 1 2 3 तो 3 जीरो भी लगा देंगे, प्लस अब किसको लिखेंगे 9 को, तो 9 के बाद देखेंगे कि 2 डिजिट है, 1 2 डिजिट तो 2 डिजिट जो है लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। अब है 5 के बाद केवल एक स्थान है तो 1 जीरो लगा देंगे, प्लस 7 जो है वैसे उतर जाएगा। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।